हेलो दोस्तों, क्या आपका भी लैपटॉप कुछ टाइम वर्क करने के बाद ऑटोमेटिकली सडनली ऑफ हो जाता है? तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आपका लैपटॉप रनिंग मोड में होता है और ऑटोमेटिकली सडनली यहाँ ऑफ हो जाता है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? दोस्तों, इसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लैपटॉप को बैटरी डिस्कनेक्ट करना है, देन बैक साइड यदि आप देखोगे कि आपका पैनल ओपन होता है, तो दोस्तों इसे भी ओपन करें। देन दोस्तों बैक पैनल को ओपन करें, जहां पर आप देखेंगे दोस्तों इसमें आपका सीपीयू, प्रोसेसिंग, हीटसिंक और कूलिंग फैन दिया हुआ होगा, जिसे आपको ओपन करके चेक करना है कि दोस्तों मोस्ट ऑफली इस कूलिंग फैन में ही प्रॉब्लम होती है। सो दोस्तों इसे ओपन करके चेक करें, जहाँ पर आप देखेंगे इसके स्क्रू दिए हुए होंगे, जिससे यहाँ प्रॉपर प्लग इन होगा, जिसके स्क्रू ओपन करें, देन इसे प्लग आउट करके चेक करें कि इसकी हीट सिंक, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉपरली आउटसाइड से कूलिंग ही नहीं मिल पा रही है, बिकॉज यहाँ पर पूरी डस्ट पैक हुई है, जिसकी वजह से यहाँ इस लैपटॉप के प्रोसेसर को प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पा रहा है। दोस्तों इसी वजह से आपका लैपटॉप ऑफ हो रहा है। इसे क्लीन कर ले, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों इसी तरह आसान एंड यूनिक ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।